इंग्लिश बी कोर मोमेंट्स। तो देखो चैप्टर 8 था हमारा, अ हाउस इज नॉट अ होम। अब समय आ गया है कि इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखें। बहुत ही कमाल का और बढ़िया और आसान चैप्टर था। एक छोटा लड़का है, पहले तो वो अपना स्कूल बदलता है, नया स्कूल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसे पुराने स्कूल की यादें सताती हैं, और फिर उस बेचारे का घर जल जाता है तो उसे एक नया मकान खरीदना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन उसे नए मकान में बिल्कुल भी मजा नहीं आता क्योंकि उसने पुराने घर को खो दिया, अपनी बिल्ली को खो दिया, इतनी सारी यादों को खो दिया, तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो देखते हैं इसका जरा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द नरेटर फील ऑकवर्ड आफ्टर लीविंग हिज जूनियर हाई स्कूल? ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, उसे अजीब क्यों लगता है? मुझे बताओ, जब एक ही स्कूल से हम किसी नए स्कूल में जाते हैं तो कुछ दिनों तक हमें थोड़ा सा अजीब लगता है ना, ऑकवर्ड लगता है, शर्मिंदगी सी लगती है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते, नए टीचर से ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते, फ्रेंड्स वगैरह नहीं है हमारे, नई क्लासरूम है, हमें जगह के बारे में नहीं पता कहाँ पर कौन सी क्लास है ना, तो हमें थोड़ा सा क्या लगता है, ऑकवर्ड लगता है, खुलकर काम नहीं कर पाते हम, अंदर ही अंदर थोड़े से शर्म सी आती है, शर्मिंदगी सी लगती है। तो लेखक को क्यों महसूस होता था ऑकवर्ड, क्यों उसको अजीब लगता था? तो तुम समझ सकते हो क्यों लगता था ना, बिकॉज ही वॉज क्वाइट न्यू टू एवरी इन्वायरमेंट, क्योंकि वो बहुत नया था वहां के वातावरण के लिए, वहां का वातावरण उसके लिए बिल्कुल नया था। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर क्वाइट न्यू, वहां के अध्यापक और वहां के विद्यार्थी दोनों ही न्यू थे। इट वॉज अ बिग बिल्डिंग, ये एक बड़ी इमारत थी उनका, अब जो स्कूल था ना नया वाला, वो एक बड़ी इमारत थी, तुम्हें तो मालूम ही है आजकल के स्कूल बिल्डिंग बनी हुई होती है। ही हैड नो एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस पर अंडरलाइन करो, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जानकार, परिचित, कहते नहीं है यार ये तो, इससे तो मैं जानकार हूं, ये तो मेरा दोस्त है, इसके बारे में तो मैं जानता हूं, ये तो मेरा परिचित है, ये तो मेरा फ्रेंड है। मुझे बताओ वहां पर उसका क्या कोई जानकार था? ना तो वो टीचर को ज्यादा जानता था, ना ही वहां के अपने वो दोस्तों को जानता था, ना ही क्लासरूम को, ना ही उस जगह को। ठीक है, ही हैड नो एक्वेंटेंस, वहां पर किसी के साथ उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई भी उसका परिचित था ही नहीं। हाँ लिख लेना, एक्वेंटेंस का सिंपल भाषा में परिचित या मित्र वगैरह, तो वहां पर उसकी किसी के साथ कोई मित्रता नहीं थी। ही वॉज फीलिंग आइसोलेटेड, वह अकेला महसूस कर रहा था, आइसोलेटेड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, अकेलापन। व्हाट हैपेंड ऑन वन संडे आफ्टरनून, एक बार रविवार की दोपहर क्या हुआ? तो मैं मालूम है ना, वो अपने फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और उसकी मम्मी कमरे को गर्म करने के लिए आग जला रही थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही जला दी उसकी मम्मी ने आग। वन संडे आफ्टरनून द ऑथर वॉज डूइंग हिज होमवर्क, लेखक अपना गृह कार्य कर रहा था। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, और बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। हिज मदर वॉज कीपिंग द फायर रेडी फॉर वार्म, उसकी मम्मी आग आग को तैयार कर रही थी, मतलब आग सुलगा रही थी गर्मी के लिए। वार्म का मतलब होता है गर्म, एटमोस्फेयर को, उसके कमरे को गर्म बनाने के लिए वो क्या तैयार कर रही थी, आग लगा रही थी, मतलब आंच बनाने की कोशिश कर रही थी, कोशिश क्या कर रही थी, कामयाब भी हो गई थी, बल्कि इतना गर्म कर दिया था, इतना गर्म कर दिया था कि पूरा घर ही जला दिया। सडनली द ऑथर स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से लेखक को कुछ दुर्गंध महसूस होती है, कुछ अजीब सी दुर्गंध। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और स्मेल्ड का मतलब होता है गंध, और समथिंग का मतलब कुछ, इसे ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ जल रहा है। ही नोटिस्ड, उसने देखा, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, पहले क्या, अब तो खैर सीमेंट की दीवारें होती हैं, पहले लकड़ी की होती थी और उनमें झिरी होती थी, तो इसने देखा कि लकड़ी की दीवार की झिरी में से ना लकड़ियां होती, लकड़ियों में झिरी नहीं होती, उस झिरी में से इसने देखा धुआं आ रहा है। पोरिंग का मतलब होता है भरना, उसके अंदर से धीरे धीरे धुआं भरता जा रहा है, तो इसके दिमाग में आया यार कहीं पे आग लग गई, तो देखा इसने आग लग गई, उस झिरी में से क्या निकलता वो दिखाई दिया इसको, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द फायरमैन हेल्प द ऑथर एंड हिज मदर इन कंट्रोलिंग द फायर, फायरमैन ने मतलब वो जो आग वाले आदमी आए थे, आग बुझाने वाले आदमी फायरमैन, उन्होंने कैसे लेखक की और उसकी मां की मदद करी आपको कंट्रोल करने में।
फायरमैन रन आफ्टर द ऑथर, फायरमैन ऑथर के पीछे भागे एंड रैप्ड ब्लैंकेट अराउंड हिम, और उसके चारों ओर ब्लैंकेट ढक दिया। रैप्ड का मतलब होता है ढक देना, कवर कर देना, और अराउंड हिम का मतलब उसके चारों ओर, क्योंकि वो भी काफी तप गया था आग में। दे सेट हिम इन द कार, उन्होंने उसे किस में बिठा दिया, कार में। सम अनदर फायरमैन केम फ्रॉम द हाउस, दूसरा फायरमैन घर में से बाहर आया विद मदर, उसकी माँ को लेकर। हैवी एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर क्या लगा हुआ था, एक ऑक्सीजन मास्क। तुम्हें मालूम है ना उसकी माँ की भी हालत खराब हुई थी। इट वॉज अ बिग लॉस, ये एक बहुत बड़ी हानि थी। एंड द ऑथर ब्रोक डाउन इन टीयर्स, और लेखक जो है आंसुओं में टूट गया। इन टीयर्स का मतलब है दुख में, अत्यधिक रूप से दुख। उसकी मम्मी की इतनी बुरी हालत हो गई, उनका पुराना घर खत्म हो गया, और उनकी उसकी बिल्ली खो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो दुख तो होता ही है। वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, देखो यही क्वेश्चन बन गया अगला, कि वो क्यों इतना दुख में टूट गया था। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना, और टीयर्स का मतलब होता है आंसुओं में। उसको अत्यधिक रूप से दुख महसूस हो रहा था अंदर ही अंदर। द ऑथर्स हाउस वॉज कंप्लीटली बर्न डाउन, लेखक का घर पूरी तरह से जल चुका था। 5 आवर्स लेटर, 5 घंटे बाद, वेन द फायर वॉज फाइनली आउट, जब आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ एट वंस दैट हिज कैट वॉज नो वेयर, तब उसको ध्यान आया यार बिल्ली तो दिखाई नहीं दे रही मेरी। इसके पास जो छोटी बिल्ली थी ना, सब कुछ इतना अचानक से हुआ, आग लग गई, मम्मी बाहर आई, ये सब हुआ, दुनिया भर की सिरदर्दी, बिल्ली के बारे में बिल्कुल भूल गया। बाद में इसको याद आया, शिट, हम बिल्ली को तो बचाना भूल ही गए। ही हैड टू फेस द लॉस ऑफ ओल्ड स्कूल, और उसे अपने पुराने घर को भी त्यागना पड़ा था ना। देखो सारे दुख एक साथ आ गए, पहली बात तो इसको पुराना स्कूल छोड़ना पड़ा था, नए स्कूल में चला गया, अब इसको घर भी बदलना पड़ा, इसकी बिल्ली भी खो गई, इसका घर जहां पर ये मम्मी पापा के साथ रहता था वो जलकर खाक में मिल गया। हिज हाउस एंड कैट इन सच अ स्टेट, इस स्थिति में ही क्राइड एंड ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वह चिल्लाता था, रोता था, और आंसुओं में टूट गया। कहने का मतलब ये कि दुख में बहुत ही ज्यादा गहराई में टूटता जा रहा था अंदर ही अंदर।